हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ और स्वस्थ हूँ। और आज ना मैं बस थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ इसमें स्टार्टिंग में कि जो मैंने आज व्लॉग डाला है वो मेरा थोड़ा पुराना वीडियो है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला व्लॉग वगैरह एडिट करने का, तो मैंने नहीं डाला। और मैंने बना रखा था तो मैंने सोचा क्यों ना इसको डाल दिया जाए, तो मैंने इसको एडिट कर दिया है। ये मेरा मतलब उस टाइम का है जब मैं मायके गई थी, और हो गया है करीब 2 महीने का, करीब हो चुका है मेरे हिसाब से, तो तब का व्लॉग है। 2 महीना भी नहीं बोलेंगे शायद, हाँ 2 1.5 महीना करीब हो चुका है, और तब का ये व्लॉग है और इसको मैंने आज डाला है। आप लोग व्लॉग देखिए, इंजॉय कीजिए और बताइएगा कैसा लगा व्लॉग। ठीक है, आप व्लॉग को इंजॉय कीजिए, बाय। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त स्वस्थ हूँ, बस थोड़ा कोल्ड और कफ हो रखा है, और बस मेरे को अब ससुराल जाना है, क्योंकि कल से लग रहे मतलब परसों सावन लग रहे, और फिर सावन में अगर मैं यहाँ एक दिन भी रुक गई तो लड़की को अगर मायके में अगर सावन में रुक जाती है तो फिर पूरा महीना मतलब पूरे सावन यहीं रहना पड़ता है। तो इसलिए मुझे इतना तो मैं रुक नहीं सकती, क्योंकि मैंने बड़ा बेटा घर छोड़ रखा है, तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो मैं निकलूँगी तो उसी की पैकिंग कर रही हूँ। ये देखिए सामान वगैरह सब फैल रखा है, ये पैकिंग कर रही हूँ मैं, और बस अब सामान पैक करती हूँ। और हस्बैंड भी लेने नहीं आ सकते, उनकी छुट्टी नहीं है, तो गाड़ी भेजेंगे ड्राइवर के साथ, तो ड्राइवर दिन तक पहुँच जाएगा। मैं सामान पैक कर लेती हूँ और आप लोगों को निकलने से पहले मैं बताऊँगी। तो चलिए फिर मैं सामान पैकिंग करती हूँ, क्योंकि अभी अंश सो रखा है। जब तक अंश सो रखा है तब तक मैं पैकिंग कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। क्या क्या लेके आई नानी? चल देखते हैं नानी की, वो मना रही में ब्लूडियो। ये बाबा बहुत शॉपिंग करी नानी ने, तो अच्छी कपड़े अच्छे हैं। हाँ ये दर्शिक हैं। अंशी भी जा रहा देखने के लिए खड़े होकर, आज अंशी। अच्छा येलो ले आई, ठीक है अच्छी क्या रही। तो मैंने तुम्हें कहा था परेशान मत हो, ये रहन दिए बाबा। ये ज्यादा प्यारी है, अच्छी लग रही। अच्छा पेटीकोट भी लाई, मम्मी पेटीकोट सही थी देती मुझे, वैसे अच्छी लग रही है वाली, ये ज्यादा अच्छी लग रही है के लिए। येलो हाँ, ब्लू सुंदर लग रहा, बहुत प्यारा लग रहा। नानी तो बहुत सुंदर कपड़े लाई आपके लिए। हाँ ये कलर भी प्यारा है, दोनों कलर नहीं है इसके पास, ज्यादा बड़े नहीं हो गया साइज। सुंदर लग, सुंदर। अंशी देख हाथ लगा के देख रहा अंशी, खुश हो गया अंशू, खुश अंदर लग रहा। ऐसा करियो ना, बड़ा भी हुआ अंदर कुछ पहना दिया सर्दियों में, ऊपर भी बना दिया। ठीक है। ये बड़े भैया के हैं अंशी, ये दर्ज भैया के हैं। हाँ दर्ज का साइज बढ़िया है, बाप रे ज्यादा ही बड़ा लग रहा, पर बढ़ते बच्चों के लिए ठीक रहता है। कलर बड़ा वो छोटा है, कलर प्यारा लग रहा, कलर सुंदर है। दूसरा है ये भी कलर प्यारा, दर्ज के दोनों कलर बहुत प्यारे ला रखे थे, दर्श की दोनों कलर अच्छे हैं, दर्श के अच्छे हैं। ये ठीक है कि फुल बाजू है दोनों ना। हाँ जी फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देखने में तैयार हो चुके हो, तो फाइनली आज मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। दर्श से मिलने की बहुत 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 खुशी है, पर दुख भी लग रहा है, क्योंकि इतने टाइम अपने मायके रही और मायके में रहना किसको नहीं अच्छा लगता, मम्मी पापा के पास। मतलब ख़राब भी लग रहा है, मतलब कि मन भर रहा है जाने के से, बोलने से भी कि जा रही हूँ, पर खुशी बस इसी चीज़ के दर्श से मिलूँगी। बहुत टाइम बाद पहली बार दर्श को इतना लंबा मैंने छोड़ा है, नहीं तो मैं कभी आज तक दर्श को नहीं छोड़ा, आज इस बार पहली बार छोड़ा है। इसलिए भी छोड़ा था कि थोड़ा वो मेरे से अलग रहना सीखे, कि मेरे को कहीं इधर उधर जाना हो तो उसे ख़राब ना लगे, तो इस वजह से मैंने उसे पहली बार छोड़ा। और मेरे साथ अंश भी था, और दूसरी बात उसकी दादी ने खुद कहा था कि तू दोनों को ले जाती है तो हमें ख़राब लगता है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था। ख़राब तो लग रहा था, पर क्या करना, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, बच्चों को सिखाना भी चाहिए अपने से अलग रहना। तो फर्स्ट टाइम छोड़ा, अब चलिए मैं तैयार हो चुकी हूँ, अंश भी तैयार हो चुका है। मम्मी पापा को भी बहुत ख़राब लग रहा है कि मैं जा रही हूँ,
क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा रुकी, मैं एक डेढ़ महीना रुकी हूँ, इसलिए उन्हें भी बहुत ख़राब लग रहा है, जा रही हूँ। सामान वगैरह सब नीचे पहुँचा दिया है गाड़ी में, बस अब हम लोगों को नाश्ता करना है और निकलना है। नाश्ता करती हूँ और उसके बाद मम्मी पापा से विदा लेती हूँ और निकलती हूँ। आप लोगों को रास्ते की भी मैं क्लिप्स वगैरह दिखाऊंगी। चलिए फिर निकलते वक्त बताती हूँ मैं आप, मतलब निकलते वक्त की, आप तो निकल ही रही हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। चलिए फिर बने रहिए मेरे ब्लॉग में। यहाँ पर मम्मी अंश के साथ खेल रही थी और मम्मी बहुत ख़राब लग रहा था। मम्मी बार बार यही बोल रही थी, मुझे बहुत ख़राब लगेगा तुम लोगों के जाने के बाद। और मतलब वो मतलब कि दो तीन दिन से उन्हें फील होने लग गया था कि जब मैंने बोला था कि हम जा रहे हैं, गाड़ी भेज रहे हैं, जब जाने का मतलब क्लियर हो गया था कि मुझे आज जाना है, मतलब इस दिन जाना है, क्लियर हो गया था, तब से ही मम्मी को ख़राब लग रहा था। अंश के साथ ही रह रही थी ज़्यादा और पापा भी को भी लग ही रहा था ख़राब, क्योंकि बच्चों के साथ तो घर भरा हुआ रहता ही है और हम लोग फिर जल्दी से आते भी नहीं हैं बच्चों की वजह से। और मैं इस बार कुछ ज़्यादा ही लंबा रुक गई, मतलब लगभग मैं 40-45 दिन रुकी हूँ यहाँ पर। तो घर में अब जब हम दोनों ही चल जाएंगे, ये बहुत हल्ला मचाता था अंश, चारों तरफ हल्ला मचा के रखता था, मतलब किलकारी मचा के रखता था, तो ख़राब लगता ही है जब बच्चा घर से चल जाता है। ऊपर से मैं भी बहुत ज़्यादा घर में हल्ला मचाती हूँ, मतलब गप्पे वगैरह लगाती थी मम्मी के साथ और पापा के साथ, काम वगैरह साथ में मिलके करना, मतलब काफ़ी कुछ होता है घर में। तो जब इंसान एक बच्चा भी कम हो जाता है, एक जना भी कम हो जाता है तो खाली खाली लगता है। और यहाँ तो फिर मैं और ये दोनों ही जा रहे हैं, तो मम्मी पापा को बहुत ही ख़राब लग रहा था। वो मुझे बार बार बोल भी रहे थे कि कुछ दिन रुक जा और तब चले जाना, और तू दर्श को भी नहीं लेके आई, दर्श को लेके आती तो तू ज़्यादा दिन रुक जाती। मैंने कहा दर्श को मैं तो ना ला के ही मैं बहुत ज़्यादा दिन रुक गई, और मैं जानकर दर्श को इसलिए छोड़कर रुकी क्योंकि मुझे उसको सिखाना था कि मतलब कि मेरे बिना कैसे रह सकता है, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता था, मुझे कहीं नहीं जाने देता था। इवन मैं वॉशरूम भी जाती थी तो वो बाहर खड़ा हो जाता था। यहाँ पे देखो मम्मी अंश के साथ खेल रही है, अंश को अभी कुछ नहीं पता, वो खेल रहा है। बच्चे का तो क्या, उसे जहाँ प्यार मिले वहीं खेल लेता है, वो वहाँ भी जाएगा, वहाँ उसकी दादी उसे बहुत प्यार करेगी, उसका भाई है वहाँ पे, तो उसे नहीं इतना ख़राब लगेगा। मम्मी को यहाँ बोल रही थी आप बुरा मत मानो, हम जल्दी आएंगे, यही मैं मम्मी को बोल रही थी। बस अब हम निकल रहे थे सामान लेके और अब मिलेंगे हम आप लोगों को, पता नहीं कब, मायके में तो मैं पता नहीं कब दिखूँगी, और ससुराल में तो वैसे ही आप लोगों को पता है मेरे को व्लॉग डालने का बहुत कम टाइम मिलता है, वहाँ पे दोनों बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है। मतलब कि मैं सोचती हूँ कुछ ना कुछ बनाऊँ वीडियो और बिल्कुल मौका नहीं मिलता है। यहाँ मैंने गाड़ी में बैग रख दिया है और थोड़ा सामान मेरा भी अंदर कमरे में रह गया था, वो लेने जा रही थी मैं, तो पापा बोल रहे थे पहले बता देती मैं सामान रख देता। मैंने कोई बात नहीं, छोटा मोटा सामान है वो मैं लेकर आ जाऊँगी। फिर भी पापा मतलब मना करते करते ही पापा मेरे साथ आ गए पीछे पीछे सामान लेने, और यहाँ पे मम्मी अंश को छोड़ ही नहीं रही है। मम्मी कह रही है अंश को बोल रही तू यहीं रुक जा और अपनी मम्मी को जाने दे, ऐसा सच ही होता है। और यहाँ पापा मेरे साथ लेकर आ गए, पापा ने मुझे ये छोटे छोटे बैग भी नहीं लाने दिए, पापा ने कहा रहने दे मैं लेकर चलता हूँ, तो पापा ले आए सामान। और मैं सच बताऊँ मुझे बहुत ख़राब लग रहा है, एक खुशी तो हो रही है वहाँ दर्श से मिलूँगी, पर यहाँ पर मम्मी पापा के साथ काफ़ी दिन स्पेंड किया तो ख़राब लग रहा है। और मायके में किसको नहीं अच्छा लगता, मायके में तो चाहे कितने भी दिन रह लो मतलब मन भरता ही नहीं है, पता नहीं क्या है। और वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को ससुराल में कोई परेशानी है या कुछ है, वहाँ भी सब कुछ अच्छा है, पर मायका तो मायका ही होता है ना, मम्मी पापा का जो प्यार होता है वो तो मिस करते ही है ना हर बच्चे। और मैंने इसके बाद यहाँ से जाने के बाद मुझे ट्रांसफ़र जाना है, और तब मुझे शायद दोनों बच्चे छोड़ के जाने पड़ेंगे, तब मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगेगा। जैसे मम्मी पापा को आज हमारा जाना ख़राब लग रहा है, अब पता चलता है कि माता पिता बन के कितना ख़राब लगता है, क्योंकि जब हम लोग अपने बच्चों को छोड़ते हैं तब पता चलता है। ऐसे ही मम्मी पापा को भी हम लोग जब मिलकर जा रहे होते हैं तो उन लोगों को भी ऐसे ही फील हो रहा होता है कि मेरे बच्चे जा रहे हैं, क्योंकि हम चाहे बड़े हो गए और चाहे हमारे बच्चों के बच्चे भी हो जाएंगे तो भी हम अपने माता पिता के तो बच्चे ही रहेंगे ना। तो
वो लोग बोलते हैं चाहे तुम कितने भी बड़े हो जाओ, तुम्हारे बच्चे हो गए हैं, पर तुम लोग जाते हो तो हम लोग को बहुत ख़राब लगता है। एक तो यहाँ पर कोई है नहीं ना, और हम लोग सब दूर दूर हैं, छोटी बहन भी दूर रहती है, बड़ी दीदी भी दूर रहती हैं, और सब आते हैं एकदम से रौनक ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं गाड़ी में बैठ चुकी हूँ, बस अब निकल रहे हैं। बहुत ही गंदा लग रहा है और मम्मी तो रोने भी लग गए थे, उन्हें बहुत ख़राब लगा। बस अब निकलती हूँ, ज़्यादा बात नहीं करूँगी। इस टाइम बहुत गंदा लग रहा है। ये भी यहाँ पर अंश खेल रहा है, अभी इसे कुछ नहीं पता है, ये तो खुश है, सोचा है घूमने जा रहे हैं। चलिए फिर निकलते हैं, रास्ते में बात करती रहूँगी जैसे भी होगा। बस अब हम आ गए अपने पहाड़ों के बीच में, और देखिए चारों तरफ आजकल तो हरा 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 ग्रीनरी ही देखने को मिलती है, और बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे यहाँ का मौसम भी अच्छा हो रखा है। बस पहुँचने वाले हैं हम लोग घर। रास्ते में मैंने ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करी क्योंकि ये अंश ना परेशान कर रहा था, इसको पता नहीं ट्रैवलिंग की बिल्कुल आदत नहीं है। दर्श जैसे था, दर्श इतने छोटे में ना पूरे रास्ते में सोता हुआ आता था, वो थोड़ा बहुत उठता था और थोड़ा बहुत खेलता था। दूध तो वो भी नहीं पीता रास्ते में, ये भी नहीं पीता पूरे रास्ते। अंश ने भी दूध नहीं पिया और दर्श भी नहीं पीता पूरे रास्ते। पर दर्श का ऐसा था, वो थोड़ी देर उठता था, खेलता था और सो जाता था। वो अधिकतर मतलब सोता हुआ आता था पूरे रास्ते। और अंश का ऐसा है कि वो बहुत कम सोता है रास्ते में और परेशान बहुत करता है। मतलब उसे ये होता है कि मुझे गाड़ी से उतारो, बहुत परेशान करता है। मैंने उसे पूरे रास्ते मतलब गोदी में खिलाते हुए आई हूँ, बहुत परेशान किया उसने। बस अब हम पहुँचने वाले हैं, और हम जब पहुँचने वाले हैं देखो इसका अब मूड ठीक हो चुका है और अब ये खेल रहा है यहाँ पे। क्या चेतावनी कर रहा है, क्या चेतावनी हो रही है अंजी? अंजी क्या चेतावनी हो रही है? अंजू क्या चेतावनी हो रही है भाई, क्या चेतावनी कर रहे हो? आप भी लोगों के साथ खेल रहे हो? अच्छा, घर आने की खुशी? अभी तक तो तुम परेशान कर रहे थे रास्तों में, वो घर आने की खुशी में तुम बड़े खुश हो रहे हो। पांची कहाँ छुपान जी, पिलो से खेलने पे लगा हुआ है, मजे आ रहे पिलो से खेलने में। हाँ जी फ्रेंड्स, हम घर पहुंच गए, अब हम गांव वाली रोड पे हैं। ड्राइवर भैया को सामान लेने गए हैं। हम घर पहुंच चुके हैं, मतलब कि लगभग पहुंच चुके हैं, 5 मिनट में और पहुंच जाएंगे। और अंश ने रास्ते में बहुत परेशान किया और अभी मस्त खेल रहा है, और पूरे रास्ते में मुझे बहुत परेशान किया। देखिए अभी मस्त मज़े से खेल रहा है, और इसलिए मैंने रास्ते में ज़्यादा वीडियो वगैरह भी नहीं बना पाई क्योंकि ये रास्ते में बहुत रो रहा था, बहुत परेशान कर रहा था। इसके फिर शायद पेट वगैरह में दर्द रहा था, मैंने इसे दवाई दी तब ये थोड़ा सोया आराम से, और अभी मस्त खेल रहा है। चलिए फिर घर पहुँचते हैं और तब करते हैं आपसे बात। आंशी ऐसा लग रहा पापा से मिल के इतने दिन बाद, हैं पहचान रहा आपको? इधर करना इसका चेहरा। हाँ जी पापा जी मिल के खुश हो गए तो इतने दिनों बाद मिल के, कितना लंबे चपर में मिला है हमने पापा से। हैं शानू अंशी चले चलेंगे, खुश हो रहा देखना, हंस रहा हूँ। अंशु अंशु बहुत खुश है आज पापा से मिलके। कौन आया? कौन आया? नहीं मैं रहा मम्मी से आगे, जय नहीं करी मम्मी को।
हाँ क्या बोली चिया, क्या बोली जिया? लाइट ऑफ बंद करना जिया, क्या बोली? शर्मा क्या, आवाज बंद कर लैपटॉप की। दर्शक कौन आया? हाँ हाँ, क्या तू बेल मैं वो है आवाज चेंज हो गई पकड़ना तो। दशो कौन आया? ती माता। आ जा मम्मी पास जल्दी आ, सर मार रहा तुमको ऐसे। दर्शी दर्शो कौन ची माँ है, कौन आया? मैंने केक लाना। हाँ केक लाया और क्या लाया? दर्शो को मम्मी की याद नहीं आई, दर्शो चलवा क्यों? तू लुक गया? अरे देखो मम्मा की याद नहीं आई है, जा रही फिर मैं, बाय। नहीं आई इसको मम्मी की याद, मैं जा रही, जाऊँ मैं? ठीक है मैं जा रही, दर्शु को नहीं आई याद मेरी है। दर्शु मैं जा रही फिर, जा रही मैं, ना ना मैं जा रही, मैं जा रही, तुझे मेरी याद नहीं आई, मैं बाय, मैं बाय, जा रही मैं। तो तू मम्मी को प्यार किया तूने? आगे प्रणाम किया? बनाना जैसे वीडियो ब्लॉग वाले बनाए, और प्रणाम ऐसे बनाओ ना, वैसे मैं ब्लॉग के लिए बनाती हूँ। तुझे मम्मी को प्यार तो किया नहीं, तो बड़ा लग रहा दर्शी, तो बड़ा हो गया। हाँ बेटा बड़ा हो गया, ये तो मम्मी की याद आ रही थी, हंस रही है तू, तो हंस रही है, हाय हाय मिले लाजा को हंस रही है। बता तो तू शर्मा क्यों रहा था, ये तो बता कौन आया? तूने प्रणाम किया मुझे, पैर छुए तूने? ठीक है तू सर मार ले, बाय मैं जा रही, जल्दी कर पढ़ना। हाँ मैं फिर जा रही, इसने प्रणाम नहीं किया, जय नहीं करी इसने मम्मी को, फिर जा रही। जल्दी कर, जय जल्दी, जय कर, जय कर। हाँ चल छोटे बाबू हम चल रहे घूमने हैं, ये दर्शु जय नहीं कर रहा। दर्शु नहीं आई? हाँ तो मम्मी की याद नहीं आई तुमको? आई थी, कहाँ पे आई थी आपको मम्मी की याद, कहाँ पे लग रही थी आपको मेरी खुद बताओ तो, कहाँ लग रही थी? जल्दी बताओ फिर, नहीं तो मम्मी चल जाएगी दोबारा। हाँ? जाओ मम्मी, मम्मी जाए नहीं। जाए ना मम्मी, यहाँ पे लग रही थी मम्मी की खुद। हाँ मेरी बेटी, मेरी बेटी को यहाँ पे लग रही थी मम्मी की, मम्मी की याद यहाँ पे आ रही थी। हाय हाय प्यार किसी कर दो, अच्छा फिर जल्दी किसी करो, फिर मम्मी आपके लिए बहुत सारी चीजें लाई है, जल्दी किसी करो तब देगी। हाँ चलो, बैट बॉल नानी ने दिया है, किसने दिया है? नानी ने, पकड़ो जल्दी। कैसा है, कैसा है बैट बॉल? बॉल अच्छा है, अच्छा है दर्शु का बैट बॉल। हाँ नानी ने भेजा है आपके लिए, हाँ जाल बिछाया, कैसा लग रहा आपको बताओ तो पहले, अच्छा कैसा लग रहा आपको, कैसा लग रहा? और बताओ क्या लाई है मम्मी, और भी दे, और क्या लाई है? और दर्शु के लिए और भी है, ये देखो इतनी सारी गाड़ियाँ, देखो लो पकड़ो, कैसी हैं दर्शु गाड़ियाँ, जल्दी बताओ तो, नहीं देगी मम्मी फिर, बता तो रहनी हो कुछ, अच्छी है ना? थैंक यू तो बोला नहीं आपने मम्मी को, और प्यार भी नहीं कर, इधर भी दर्शु लव यू, आप भी बोलो, आई लव यू, अच्छा है। हाँ। क्या है उसमें? एक एलिफेंट, और क्या है? गाय की टांग, गाय है वहाँ। और बताऊँ, मैंने आपके लिए एक और चीज ला रखी है, बताऊँ क्या ला रखा है? एक और
गोना, गोना भी है आपके लिए। ये देखो, हाँ रख दो गाड़ी, इसको लो, लो गोने को ले लो, लो पकड़ो अपना गोना। कैसा है, कैसे है दर्चू का गोना? हुई, ये तो कटा रहा है गोने से, मम्मी को ही कटा रहा है, मम्मी लेके आई, मम्मी को गोने से कटा रहा है। ओ नहीं, मम्मी को नहीं कटाना। ये देखो फिश, पकड़ो जल्दी, फिश भी पकड़ो, वेरी गुड। और एक और चीज लाई है, ये दर्चू स्कूल, देखो टेडी बियर, दर्चू के पास तो बहुत सारे गिफ्ट हो गए ना। दर्शु आपके लिए तो बहुत सारा हो गया, मजे आया आपको, कैसे लगे आपको बताओ तो, कैसे लगे? हुई, ये तो कटा रहा है, कैसे लगे आपको? कैसे लगे आचरी है, कैसे लगे? मेरे को नहीं कटाना, अरे नहीं फिर मम्मी नहीं लाएगी आपके लिए अगले कटाओगे तो। हाँ अंदर रख दो, छमाल दो, गुड बॉय हो आप। यहाँ पर अंश के पापा और अंश का भैया दर्श दोनों के दोनों उसको घुमा रहे हैं, दोनों को काफ़ी खुशी हो रही है, अंश काफ़ी दिनों बाद मिला है, और अंश के पापा उसको बता रहे हैं दर्श को कि ऐसे ऐसे घुमाओ अपने भैया को, देखो पापा ने कैसे घुमाया ना, साइड साइड से ले जाते हुए वो दर्श को सिखा रहे हैं, और दर्श बहुत एक्साइटेड हो रहा है अंश को घुमाने में ना, कि उसके साथ खेलने के लिए, एक तो बहुत दिनों बाद मिला है। चलिए फिर इस को ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, और आप लोग को मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हंसते रहिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। बाय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। दर्शकों को तो समझ में आ जाता है एक बार।